जल्दी नहीं आया, तू लेट हो गया। और तुझे पता है ना, साल के पहले दिन जो होता है फिर पूरा साल वही होते रहता है। मतलब आज तू लेट हुआ तो अभी पूरा साल तू लेट होगा, तो आज से मैं तुझे लेट लतीफ बुलाऊंगा। जेठालाल, एक बार कोई लेट आया तो उसको लेट लतीफ नहीं बोलते भाई। तुम्हें मुझे लेट लतीफ बुलाने के लिए मुझे तुम्हारी तरह हर बार लेट आना पड़ेगा। लेकिन दोस्त, अफसोस तुम्हारी ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। देखते हैं। ए, देखो गोकुलधाम के वन्य जीव आ रहे हैं। वन्य जीव है? हाथी और पोपट। वन्य जीव। गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग। अब्दुल यारा, और नए साल का सबसे पहला नींबू सोडा सबके लिए बना। हाँ हाँ, बनाता हूँ। सोडी अय्यर भाई अभी तक आए नहीं है, वो आ जाए फिर सब साथ में पीते हैं। अय्यर भाई नहीं आया अभी तक? आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं? अय्यर भाई नहीं आया अभी तक? जी ऐसा बोलिए। मुझे नहीं लगता अय्यर भाई अभी आएंगे। एमकेम? अरे वो लेते हैं ना नए साल में क्या वो सॉल्यूशन, तो मुझे लगता है अय्यर भाई ने नए साल में सॉल्यूशन लिया होगा कि भाई नए साल में मुझे सोडा नहीं पीनी है। जेठालाल, उसका सॉल्यूशन नहीं रिजोल्यूशन बोलते हैं। और मैंने सोडा न पीने का रिजोल्यूशन नहीं लिया है और ना कभी लेगा। अरे पर आप इतना खींच क्यों रहे हो अय्यर यार? तुम्हें तो पता है ना जेठालाल के मजाक की आदत है, मजाक कर रहा है वो, मस्त रहो तुम। अरे भाई चलो, अब तो कोरम पूरा हो चुका है, दौरे सोडा शुरू किया जाए भाई। अब्दुल एक मिनट, इससे पहले के दौरे सोडा शुरू हो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इरशाद, मैं आत्मारम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज के इस नए साल की पहली शाम पे पहली सोडा पीने के लिए सोडा शॉप पे आए हुए सभी गोकुलधाम सोसाइटी के मेंबर्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आगे आगे मेन बात बोलो। यही मेन बात थी भाई। अच्छा चलो, इससे पहले दौरे सोडा शुरू हो, आजकल मैसेजेस बड़े आते हैं ना नए साल के, तो फोन पे हमारा एक दोस्त एक अच्छा संदेश भेजा है, जरा वो पढ़ के सुना कि कायनात का हर रंग लेके और हर रंग का फूल लेके, हर फूल की खुशबू लेके, खुशबू भरे लम्हे लेके और लम्हों भरी ये जिंदगी में तुम्हारे नाम करता हूँ और नए साल का सलाम करता हूँ। एक बार मास्टर जी ने क्लास के अंदर स्टूडेंट से पूछा कि समुंदर के बीच में अगर नींबू का पेड़ हो तो नींबू कैसे तोड़ोगे? शरारती गुल्लू ने जवाब दिया, चिड़िया बनकर। चिड़िया? एग्जैक्टली, मास्टर जी ने यही पूछा, तू चिड़िया कैसे बनेगा? तो गुल्लू ने कहा, मास्टर जी पहले आप ये बताइए कि आप समुंदर के बीच में नींबू का पेड़ कैसे उगाएंगे, तब मैं आपको चिड़िया बन के बताऊंगा। बराबर बराबर, मास्टर जी पक्का भिड़े जैसे हो गए। तो मास्टर मतलब भिड़े, मैं क्यों? अरे भाई मैं मजाक कर रहा हूँ। और वो लड़का जरूर कच्ची माड़ू होगा। वैसे ये नींबू है कमाल की चीज भाई, ये नींबू जो है हंसा भी सकता है, जैसे अभी इस लतीफे में हंसाया, और ये नींबू रूठी बीवी को मना भी सकता है। मतलब अभी अंजलि भाभी को मेहता साहब ने नींबू के फायदे गिना है, तभी अंजलि भाभी ने मेहता साहब को यहाँ सोडा शॉप पे आने की परवानगी दी भाई। अच्छा भाई अब्दुल, तेरा ये सोडा में जो नींबू है ना, उसी वजह से मैं आ पाया हूँ मैं, वरना आने नहीं देती हूँ। मैंने कहा नींबू के बड़े फायदे फायदे गिनाए तो आने दिया, नींबू काम आ गया आज। ओहो, नींबू तो सोडा की जान है, उसके बिना सोडा वीरान है, और नींबू ही सोडा की आन बान और शान है। नींबू के बिना सोडा मतलब सांभर के बिना इडली, जलेबी के बिना फाफड़ा, अरे बाबरे, और जैसे मक्खन के बिना आलू दा परांठा, जैसे पुरन के बिना पोली।
नींबू के बगैर सोडा वैसे ही है जैसे बिना चाशनी के रसगुल्ला। नींबू के बगैर सोडा वैसा ही है जैसे करेले बिना मेरा भोजन। दोस्तों आप सब कुछ भी कहो, भाई मेरे लिए नींबू के बगैर सोडा का मतलब है शादी के बगैर का कुंवारा इंसान। नहीं 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 वो बड़ा तुम समझ नहीं रहे, हम सारे लोग कैसी उपमाएं दे रहे हैं खाने पीने की और तुम बीच में शादी लेके आ गए। सही बात। मेहता साहब यहाँ मेरी शादी नहीं हो रही और आपको उपमा की पड़ी है। पोपो तो हर बात में अपनी शादी का टुकड़ा लेके सबका मूड को खराब कर देता है यार। अभी मूड खराब करने की बात छोड़ो, सब लोग नींबू सोडा पीते हैं और मूड अच्छा करते हैं।